नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कहते हैं अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता है। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता था कि जो शख्स राजनीति बदलने आया था अब उससे पूछताछ हो रही है? सोचिए, इस तरह के जिम्मेदार कौन है? मैं भारत की राजनीति को थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। भारत में 2000 सालों से जाति के नाम पर वर्चस्व का खेल चलता रहा है। पहले यहां जाति विशेष के राजा हुए और वहां इस देश के 95% लोगों के हक अधिकार छीने गए, जिनमें जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इनके भी कुछ राजा हुए। जो आज SC ST OBC है, जिनको शूद्र और अछूत कहा गया धर्मों में, उनके भी राजा हुए। कुछ सवर्ण समाज से भी शानदार राजा हुए, गुरु गोविंद सिंह साहब, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज। जाट समाज से महान राजा हुए, गुर्जर समाज के महान राजा हुए। लेकिन जो मनुवादी थे, पुष्यमित्र शुंग के जो औलाद थे, जो लोग, सोचिए पुष्यमित्र शुंग ही नहीं, जो पेशवा के औलाद थे, वो कितने कूर थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज के वंशज को खत्म करवा दिया। लेकिन इतिहास दोहराता है, इतिहास में सबको मौका आता है। राजा तो उदा देवी पासी भी हुए, तो जो इस देश के मूल निवासी थे, जो क्षत्रिय थे, वो भी राजा हुए, लेकिन उन्होंने अत्याचार नहीं किया। खैर, देश चलता रहा, आजाद हुआ देश, अंग्रेज आए, मुगल आए, देश चलता रहा, वही जाति व्यवस्था बनी रही, देश आजाद हुआ। उसके बाद 90 के दशक तक इस देश में, सोच लीजिए, बाबा साहब लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उसके बाद माननीय कांशीराम साहब आते हैं, 90 का वो दौर याद कीजिए, किस तरह से 90 का वो दौर याद कीजिए और किस तरह से बाबा साहेब को बर्बाद करने की कोशिश की गई। और बाबा साहेब को बर्बाद करने की कोशिश करके आप कल्पना कर सकते हैं कि 90 के दशक तक इस देश का संवैधानिक SC ST OBC जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर राजनीति में जीरो था। कौन जात के लोग मुख्यमंत्री होते थे, कौन गवर्नर होते थे, आज तक कौन राज्यसभा में आते हैं? SC ST को टोकनिज्म बना दिया गया था, लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। उसके बाद 90 के दशक में जब बहुजन राजनीति आगाज हुई, जब शरद यादव, लालू यादव, मान्यवर कांशीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर, सुखदेव, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल और ऐसे रामअचल राजभर जैसे युवा, ओपी राजभर जैसे युवा, जो आज किसी भी पार्टी में हो, किसी भी विचारधारा के साथ हो, लेकिन ये सब वो लोग हैं जो 90 के दशक में लकीर खींच रहे थे, खासकर हिंदी पट्टी में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में। माननीय कांशीराम साहब दक्षिण से लेकर उत्तर तक SC ST OBC के नेता तैयार कर रहे थे। उसी समय राजनीति का अपराधीकरण हो गया, इस तरह के जुमले छोड़े गए। और अब राजनीति के अपराधीकरण नहीं हो रहा था, राजनीति का पैसाकरण हो रहा था। और राजनीति के अपराधीकरण के नाम पर शिबू सोरेन, कर्पूरी ठाकुर के साथ रहने वाले लालू यादव, साहबुद्दीन, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, इन सब लोगों पर अत्याचार हुआ। कहा गया ये राजनीति का अपराधीकरण का दौर है, क्योंकि SC ST OBC के लोग आ रहे थे। ठीक उसी तरह से जैसे जब आज कलम युग है, आज SC ST OBC के हाथ में कलम है, किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा के हाथ में कलम है, तो आज कहा जा रहा है कि कलयुग आ गया है। और ये राजनीति का अपराधीकरण मीडिया ने चलाया और कोर्टों में बैठे मनुवादियों ने इन नेताओं को सजा दी। और उसके बाद तो 2014 में जो हुआ वो सब आपके सामने है। और उस शख्स का नाम था अरविंद केजरीवाल। मैं उस समय टेलीविजन में नौकरी करता था। लालू यादव जब कहते थे कि ये लोग चंद लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो सड़क पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, जिनके पास वोट नहीं है, जो गरीबों का दर्द नहीं जानते हैं, जो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों को नहीं जानते हैं, ये लोग राजनीति करना नहीं चाहते हैं, ये संविधान बदलना चाहते हैं। और उस समय लालू यादव से नफरत किया जाता था। पिछले 60 सालों से कांग्रेस ने इस देश के तमाम जांच एजेंसियों का और संविधान का दुरुपयोग किया। दलित, पिछड़े, आदिवासी, मौर्य साहब की कहानी कौन नहीं जानता है कि किस तरह से उनको मजबूर किया गया बाबा साहब की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आने के लिए।
जिस तरह से कांग्रेस मजबूर करती थी, लाचार बेबस करती थी, लेकिन वो सिर्फ SC ST OBC को करती थी, किसान जातियों को नेता को फंसाती थी। चौधरी चरण सिंह को किया गया, देवीलाल को किया गया, लेकिन उसके बाद 2014 में अन्ना आंदोलन के नाम पर सरेआम उस समय भी दलित पिछड़े नेता जेल गए, कनीमोरी जेल गए, ये राजा जेल गए, तमाम तरह की नौटंकी की गई, किसी पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। यही केजरीवाल पर्ची जेब में लेकर चलते थे, मनीष सिसोदिया, और ये लोग तमाम बहुजन नेताओं को भ्रष्ट कहते थे, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव को। और आज सोचिए, आज वही अरविंद केजरीवाल खुद चपेट में है तो इनकी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सुना कभी RJD को प्रदर्शन करते हुए? इस देश का SC ST OBC जाट पटेल मराठा गुर्जर अन्याय होने के बाद भी इस देश के संविधान से प्यार करता है, वो जेल भी जाता है लेकिन संविधान के खिलाफ, न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोलता है। वो जानता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वो सब मनुवादी समाज के लोग बैठे हुए हैं जो जाति के नाम पर नफरत करते हैं, उसके बाद भी वो इस देश के संविधान को मानता है क्योंकि वो फूले पेरियार अंबेडकर बाबा साहेब के विचारों को मानता है, और उसे अधिकार तो चाहिए लेकिन संविधानिक तरीके से, कलम के जोर पर। लेकिन जब इन लोगों से अब पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है, तो प्रदर्शन चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि CBI का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इनकम टैक्स ED का दुरुपयोग नहीं हो रहा, हो रहा है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर आज सत्येंद्र जैन जेल में नहीं होता, मनीष सिसोदिया जेल में नहीं होते, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ नहीं होती, अगर यही नोटिस तेजस्वी के लिए निकलता, तब कब बोलते थे अरविंद केजरीवाल? तब इनकी पार्टी प्रदर्शन करती थी कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करो, मायावती जी को गिरफ्तार करो। आज समय का चक्र देखिए, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक चीज हुआ है, अब CBI इनकम टैक्स ED का दुरुपयोग जाति देखकर नहीं होता है, पार्टी देखकर होता है, जो भी पक्ष में है उसको बंद करो। सोचिए, यही अरविंद केजरीवाल, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। क्या गलती थी राजेंद्र पाल गौतम की? 22 प्रतिज्ञाएं तो ली थी उन्होंने बाबा साहेब के नाम, बाबा साहेब की, जिस बाबा साहेब के नाम पर पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, उनको हटा दिया गया। आपको पता है मनीष सिसोदिया ने उनका ड्राफ्ट लिखवाया था। मैं ये सब विपक्षी एक ये सब पत्रकार के तौर पे मुझे आपको सब बात बताना पड़ेगा। इस देश में राजनीति का अपराधीकरण का सगुफा इसलिए छोड़ा गया क्योंकि इस देश के तमाम राज्यों में दलित पिछड़े आदिवासी नेता बन रहे थे, तब कहा गया कि अपराधीकरण हो गया है। ये सब जिन लोगों ने बुद्ध से बुद्धू शब्द बनाया, वही आपको बहकाते हैं, वही आपको गुमराह करते हैं। जिस दौर में सबके हाथ में कलम है तो इसको कलयुग कहते हैं, ये कलम युग है। दुनिया के सबसे महान बुद्धिस्ट बुद्ध को बुद्धू बना दिया, और वही जब राजनीति में SC ST OBC के लोग आने लगे तो कहा कि ये राजनीति का अपराधीकरण है। और तमाम संस्थानों में बैठे मनुवादी लोगों ने कैंपेन चलाया। इस देश में चुनाव आयोग कब ईमानदार होता है? जब लालू यादव और मायावती का मुख्यमंत्री होते हैं और उनको चुनाव हराना होता है। इस देश में SC ST OBC जाट पटेल मराठा गुर्जर किसानों को 2 मिनट में सजा मिल जाती है, खीरा चोरी के आरोप में, कुछ लोग तो बिना जमानत के बंद हैं। और सोचिए, इस देश में जब बारी सवर्ण समाज की आती है तो सारा नियम कानून सब बेकार चला जाता है। सोचिए, जिस राबड़ी देवी का मजाक उड़ाया जाता था, आज एक उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय पत्रकार है, उसने लिखा है कि हो सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो राजनीति में आ सकती है। मैं कह रहा हूं, ऐसा लिखा है उसने, अभिषेक उपाध्याय ने, वो ABP का रिपोर्टर है, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन कौन लोग लालू यादव और राबड़ी देवी का मजाक उड़ा रहे थे? कौन लोग मायावती जी के नाम से नफरत करते हैं? कौन लोग अखिलेश यादव के नाम से नफरत करते हैं? कौन लोग तेजस्वी यादव के नाम से नफरत करते हैं? कौन लोग मांझी जी के नाम से नफरत करते हैं? वो जातिवादी गुंडे हैं, वो जातिवादी मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं जो इस देश के 90-95% लोगों को लाचार और बेबस रखना चाहते हैं। न वो बिजनेस में है, न मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है। और मैं बोलूंगा, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है आपको सही बात बताना। नरेंद्र मोदी की इसके लिए तारीफ कीजिए कि नरेंद्र मोदी के सरकार में कोलोजियम सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। एक राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी समाज से हैं, ये कांग्रेस ने नहीं किया, पहले सिर्फ जाति विशेष के लोग मुख्यमंत्री होते थे।
आज सोशल मीडिया है, बहुजन आंदोलन है। सोचिए, एक मनुवादी दिलीप मंडल को आईएसआई का एजेंट कह रहा है। दिलीप मंडल को, दिलीप मंडल ने कहा है कि इस देश में सड़कें हम बनाते हैं, खेत हम जोतते हैं, दूध हम भैंस हम पालते हैं, इस देश को बनाती हमारे बाप दादा, ये हमारे बाप दादाओं का देश है, तुम हो गए आईएसआई, तुम जाके वहां मरो। सोचिए, दलित पिछड़ों को आदिवासी, नक्सलवादी, पिछड़ों को उपद्रवी कहते हैं लोग। इनका आंदोलन भारत का आंदोलन होता है, इनका नेता भारत का नेता होता है, और बाकी कोई जाट होता है, कोई गुर्जर होता है, कोई पटेल होता है, कोई मराठा होता है, कोई दलित होता है, कोई पिछड़ा होता है, और ये सब टीवी अखबार में बैठे मनुवादी ये सारा खेल करते हैं। ये कलम कसाई हैं, ये जुबान चलाते हैं और नफरत बोते हैं। आज ये SC ST OBC का वोट चाहिए तो ये धर्म के नाम पर नफरत कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पर लड़ाई करा रहे हैं, और यही लोग SC ST OBC के साथ नफरत करते हैं। सोचिए, पूरे अंबेडकर जयंती के दौरान कहीं कोई मुस्लिम मोहल्ले में हमले नहीं हुए हैं। एक जगह मोहल्ले हमले की खबर आई है, मैं वो खबर बता रहा हूं आपको, जहां मनुवादियों ने बाबा साहब की जयंती को रोका और हाथ में उनकी लाठी है। कल बनाऊंगा उस पर भी मैं खबर, दो वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन मनुवादियों से, जातिवादियों से आपको बचकर रहना पड़ेगा। और तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं। सोचिए, अनिल यादव ने ट्वीट किया, अंबेडकर जयंती पर देश प्रदेश के कई जगह शोभा यात्रा निकली, मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से भी निकली, कहीं कोई रोक या पथराव नहीं हुआ, फिर मथुरा के ठाकुरों को क्या समस्या हो गई, या फिर ये लोग दलितों को हिंदू नहीं मानते। ये देखिए, बाबा साहब की जयंती पर इनके हाथ में डंडा है, ये कौन गुंडे हैं जो डंडा लेकर सड़कों पर खड़े हैं और बाबा साहब की जयंती में ये मारपीट और हमला कर रहे हैं। इन गुंडों को सावधान रहना पड़ेगा और ये जेल जाएंगे। ये जातिवादी गुंडे हैं जिनसे सावधान रहना पड़ेगा। ये समझते हैं कि सब धन 22 पसेरी होता है, तुम सबको मारोगे। और सोचिए, ये दिलीप मंडल को जो कह रहा है कि ये आईएसआई के एजेंट है, जिनके बाप दादा विदेशी से आए, जो विदेश में जाके कमा रहे हैं, इस देश को लूट रहे हैं, वो दिलीप मंडल को कहते हैं कि आप आईएसआई के एजेंट हो। मेरा बाप का देश है भारत, हर ईंट हमने जोड़ी है, देश का कुछ भी बना हुआ सूंघ ले, अनाज से लेकर दूध और मटन चिकन तक, ये सब हमने पैदा किए हैं, इस देश के किसानों ने, जाट पटेल मराठा गुर्जर ने पैदा किए हैं। और ये कौन मनुवादी लोग हैं जो उनको कह रहे हैं कि तुम आईएसआई के एजेंट हो? इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो आपको इसी तरह का एडजेक्टिव देंगे, कभी राजनीति का अपराधीकरण कहेंगे। और ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, जो फसल बोया है वो इनको काटना पड़ रहा है, उसके बाद भी पूरा विपक्ष, तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी सब इनके साथ में खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि बहुजन समाज हमेशा से अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा है। ये देखिए, एक तस्वीर वीडियो दिखाना चाहता हूं, किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में बाबा साहब की जयंती मनाई गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वो दो वीडियो दिखाना चाहता हूं मैं आपको, जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। सोचिए, किस तरह से ये गुंडे हैं और ये लगातार ये लोग गुंडाई करते हैं और दूसरे को, ये आपको जब इनसे सवाल पूछेगा इन मनुवादियों से, तो ये आपको पता है क्या कहेंगे? राष्ट्रद्रोही हो, जैसे इनके पिताजी का देश है। ये देखिए, मैं वो वीडियो चाहता हूं दिखाना, पहले तो वो जो हमले की कोशिश हो रही है मथुरा में बाबा साहब की जयंती के खिलाफ, देखिए। ये 3-4 गुंडे हैं जो हाथ में लाठी लिए हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप सोचिए, ये मथुरा अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान हुआ विवाद, दो पक्षों में शोभा यात्रा निकालने को लेकर विवाद में हुआ पथराव, जाटव समाज के लोगों ने ठाकुर समाज के लोगों पर लगाया आरोप, घटना की सूचना पर गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, और ये लोग सोचते हैं कि अन्याय अत्याचार करके बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि अत्याचार करे और बच भी जाए। वही दिलीप मंडल वाला वो ट्वीट में फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूं, वो कौन है जातिवादी गुंडा क्रिमिनल जो दिलीप मंडल को कह रहा है कि, ये देखिए, शर्मा हिंदू नॉट बीजेपी हिंदू, मंडल मस्ट बी क्लोजली वर्किंग विथ आईएसआई, दिलीप मंडल विदेश में है। लेकिन सोचिए कैसे इनको टारगेट किया जा रहा है, उन्होंने कहा है मेरा बाप का देश है भारत,
हर ईंट हमने जोड़ी है। देश का कुछ भी बना हुआ सूंघ ले, अनाज से लेकर दूध और मटन और चिकन तक देख ले, अपना मंदिर ही देख ले, हर जगह हमारा पसीना है, हम है सच्चे राष्ट्रवादी। तू करता होगा ये सही के साथ काम, जाकर वहां मर, वहां जाकर मर। ये करारा जवाब दिया है दिलीप मंडल ने। और बाबा साहेब की जयंती की धूम देखिए, ये देखिए। फिर से सुनिए, cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. Dr. B.R. Ambedkar. As the world celebrates Dr. B.R. Ambedkar's 132nd birthday here at the United Nations, we continue to honor his legacy to cultivate our minds at this important and timely conference, AI for Social Justice. I'm truly honored to... सोचिए 132वां जन्मदिन को भारत सरकार के जो बैनर पोस्टर छपे उसमें 133वां गलती कर दी गई है। तो खैर, ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब बताइए कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होगा। और कोई दलित पिछड़ा आदिवासी होता तो ये खबर भी न चलती। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश के बहुजनों का बहुत नुकसान किया है। उनके राजनीतिकरण को इन्होंने भ्रष्टाचार कहा है, राजनीति को इन्होंने अपराधीकरण कहा है, और आज एक खुद उसी चपेट में। एक बात के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस 60 साल में इस देश के कांग्रेस ने और तमाम सवर्ण नेताओं ने सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी को चोर अपराधी कहा, भ्रष्टाचारी कहा, सजाएं हुई, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जाति नहीं देखी जा रही है, पार्टी देखी जा रही है। जो भी विपक्षी है उसके खिलाफ जांच होगी। आप ही लोग कहते थे ना कि ईमानदार को आंच क्या, तो करवा लीजिए जांच। मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक पत्रकार हूं, मैं इस देश के शोषित वंचित के साथ हूं, मैं भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मैं किसी जाति किसी पार्टी के न खिलाफ हूं न किसी के साथ हूं, जो सच है वो कहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने जो बोया है उनको काटना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा SC ST OBC नेताओं को बदनाम करने में कांग्रेस, सबसे ज्यादा मीडिया, फिर कांग्रेस, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहां थे, और अब उसी के चपेट में है वो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।